हेलो गाइस, तो अभी हम लोग साक्षर मैंने थोड़ी सी नींद ले ली है, मतलब मेरे आप उस पर मत जाना जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे एक्सेंट पे, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और मैं आई एम स्लीपी और आई एम स्लीपी। धूप तो बहुत है, धूप नहीं जीने दे रही है, धूप मिलती है। अब आप कहोगे कि कार ले लो, नहीं ले सकते यार, हर कोई नहीं ले सकता, गरीब होता है यार आदमी, कैसे ले ले कार, इन गलियों में कैसे चलाएगा जी बताइए, इन गलियों में कैसे चलाएगा कोई, छोटी छोटी सी गलियों में। नहीं, धूप में भी लोग घूम ही रहे। अच्छा, तो तूने हम दोनों को नहीं देखा हम दोनों क्या कर रहे हो? ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई मेरे बगल से निकलेगा, फोन मेरा उड़ाता हुआ ले जाएगा। क्यूट तो मैं आ रही हूँ, अच्छी सी टैली से लग रही हूँ। गाय माता यार, यहाँ पे हर जगह गायें बहुत है, यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ इंसानों से ज्यादा गाय है। अरे बहुत अलग ही प्लानिंग है, बिकॉज अभी हम यहाँ से जाएंगे बद्रीनाथ है क्या? नहीं सॉरी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या नाम है साक्षी? भूतनाथ जाएंगे, भुट्टा है आते हुए खाएंगे साक्षी। तो दोस्तों ये है कुछ साक्षी क्या लिखा है ये अजीब सा, दर्शन स्वर्ग श्रम। ठीक है, गोलगप्पे खाए क्या? हर जगह के अच्छे नहीं होते, बट लेकिन पानी स्पाइसी था, तो मैं जो चाह रही थी चटपटापन वो मिल गया। ये हम आई थिंक अभी भूतनाथ पहुंचने वाले हैं। हमारे पीछे ऐसा दिख रहा है और हमारे ऊपर ऐसा कुछ दिख रहा है। ये है हमारा भूतनाथ का मंदिर, जाके एक्सपीरियंस करते हैं। गाड़ी में क्या मैंने भोले बाबा, अरे हो वाह क्या बात है। अभी थोड़ी सी उनके लिए चढ़ाई है जी, बिल्कुल ये है ट्रैकिंग भोले बाबा के द्वार जाने की, जो कि है आई बिलीव आधा किलोमीटर तो होगी। हम नीचे से आए पूरा, ठीक है, बस आई थिंक पहुँच गए शायद, होप सो इसके आगे ना। बस जी बस कह रहे भैया, ये इजी पड़ेगा क्यों? कह रहे खड़ी सीढ़ियाँ, ये बिल्कुल खड़ी सीढ़ी, ये हो जाएगा ऐसे करते करते ना, ये ज्यादा सही है साक्षी, ये ज्यादा सही है। नहीं नहीं, पैर में ये फुटवेयर वो में मजा नहीं आ रहा ना, स्लिपरी है ये, तो चढ़ लिया ना आना सीढ़ी का भी मजा लेता है। क्यों भैया, इच्छा पूरी की जाए, चलिए सीढ़ी से चले आए। हर हर महादेव। तो हम पहुंच गए हैं भोले बाबा के दरबार एंट्रेंस। मत्था टेक गया कारण से हम सब सुरक्षित हैं। तो ये है यहाँ का व्यू और ये है फाइनली यहाँ पे, अभी है हालांकि 3 फ्लोर और ऊपर है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट ये यहाँ का व्यू है। कैसे बनता है रुद्राक्ष, मतलब ये पेड़ से लोग तोड़ के लाते, पेड़ से तोड़ते हो ना भैया? पेड़ से तोड़ के फिर इस टाइप का थोड़ा सा निकल के आता है, इसका जो डिजाइन होता है, और वैसे ये ऐसा होता है। तो हर टाइप की रुद्राक्ष भैया के पास में, जैसे भी आपको चाहिए हो, घर की सुख समृद्धि, मतलब अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो अभी हमने ले लिया है भुट्टा और अब हम भुट्टा खाने वाले निकले हैं। गंगा में हम डुबकी लगाएंगे 3 बारी कम से कम, ये तो बनता है यार। ऋषिकेश आए हो ऊपर से, फिर आप डुबकी छिपकली थी सॉरी, हाँ तो फिर आप डुबकी लगो तो ऐसा कैसे चलेगा। तो ये मेरी छोटी सी पोनीटेल मैंने शॉर्ट कर ली है, ठंडी लग रही लग रही। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं राम जी के पास में और ये है यहाँ, मैं गंगा में अभी डुबकी मारने वाली हूँ। एटलीस्ट 3 डुबकी मम्मी ने बोला है मारनी ही मारनी है, और यहाँ पे ऋषिकेश आओ ऑफिस में डुबकी ना मारो कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, जिसको डर लगता है नहीं मारेगा, जिसकी डर लगी नहीं मारेगा भाई, पर मुझे मारनी पड़ी थी यार। और साक्षी कुमारी के साथ में मैंने देखता कैसे
स्टार्ट कैसे हो गए इनिशियली, बिकॉज पैर ही सिर्फ डाले हैं अभी तक और इतना ठंड लग रही है ना पैरों में, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये फ्रीजिंग वाटर है, फ्रीजिंग, और इतना साफ पानी मैं आपको दिखाऊंगी, देखो इतना साफ पानी, इतना साफ पानी, इतना साफ, मिट्टी मिट्टी है। नहीं जाएंगे, डुबकी मारनी है कैसे मारे। अबे अगली बारी देख कहाँ है, बस वहीं तक जाएगी, साथ ही पहुंच जाएगी नीचे। गर्म है कि ठंडा है? बस कोई नहीं, मैं खुद भाग जाऊंगी। भाई यहीं से मार ले आज। अबे पन्नी थी। जय नहीं, वो सीटियां वो अपने लिए बचा रहे, जल्दी देख। सब भीगा बट सिर्फ ये पिल्लू रह गया।